इसे देखो, बारह साल तो ये खुद तड़पती रही, परेशान नहीं, लेकिन जब इसे परमेश्वर के बारे में पता चला और परमेश्वर के साथ कैसे रिजल्ट आता है, कैसे वो काम करता है, वो देख लो अपनी बहन का बच्चा बचा लिया इसने। यस आमेन। ये समझ आ रही है नहीं आ रही? अभी देखो इस मिनिस्ट्री की बात ये पकड़ गई। रिश्तेदार बोलते ये बच्चा नहीं बचेगा, बहुत बुरी कंडीशन है। और ये क्या बोल रही है? ना कुछ भी बुरा नहीं, सब अच्छा है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ बच्चे को। ये मेरी सिस्टर है, इसको जितना भी बेबी बॉय होता था उसको दुष्ट आत्मा ने डेथ कर देता था। बच्चे को आईसीयू में रखा, फिर सिस्टर ने मेरे फोन किए तो हम आए हॉस्पिटल। तो आइए देखते हैं उस समय की आईसीयू की फोटो, जब ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस था और डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे थे क्योंकि इस बच्चे को बहुत ज्यादा दिमागी दौरे भी पड़ रहे थे। इस बहन का नाम किरण है और साथ ही में इनके सिस्टर है जिनका नाम अनमोल है और ये बहनें बिहार की रहने वाली है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी पावरफुल दया के द्वारा, ग्रेस के द्वारा इस बहन के जीवन में बड़ा काम किया है। तो आइए जानते हैं हम इस गवाही को इनके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड सारी कलेशिया। सिस्टर, ये मेरी सिस्टर है, इसको जितना भी बेबी बॉय होता था उसको दुष्ट आत्मा ने डेथ कर देता था। पहला बेटा इसका विकलांग है, दिव्यांग है, और सेकेंड बेटा हुआ उसको दुष्ट आत्मा ने डेथ कर दिया। दो बेटी हुई, बेटी अच्छी है, और फोर्थ में बेटा हुआ। 2 मई की इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद इसके बच्चों ने गंदा पानी पी लिया। मतलब जब आपकी बहन की डिलीवरी, इससे पहले दुष्टात्मा काम कर रहा था और बच्चों की डेथ हो गई, और जब डिलीवरी हुई तो क्या हुआ सिस्टर बताइए? 2 मई की डिलीवरी हुई इसकी नॉर्मल डिलीवरी। डिलीवरी के बाद इसको बच्चा ने गंदा पानी पी लिया। गंदा पानी पीने के बाद बच्चा रोया नहीं। जब पैदा हुआ तो बच्चा थोड़ा सा भी नहीं रोया। बच्चे के अंदर गंदा पानी जाने के कारण बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। यस सिस्टर, रोया नहीं तो फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, बच्चे को आईसीयू में रखा। फिर सिस्टर ने मेरे फोन की तब हम आए हॉस्पिटल। तो आइए देखते हैं उस समय की आईसीयू की फोटो, जब ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस था और डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे थे क्योंकि इस बच्चे को बहुत ज्यादा दिमागी दौरे भी पड़ रहे थे और हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर भी कुछ अच्छे से इनको बता नहीं रहे थे। और ऐसे हालात को देखकर आपकी सिस्टर बहुत ज्यादा डर चुके थे, घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और सिस्टर बताइए कि कितने दिन तक ये बच्चा हॉस्पिटल में रहा? उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से निकाल कर कोई बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो जैसे ही हम गोद में लिए बच्चा को तो रोने लगा। 6 घंटा बाद रोया था बच्चा, पहले से नहीं रोया था। जब मैं परमेश्वर के नाम लेके, प्रभु को नाम लेकर मैं बच्चा को गोद में ली तो उसी वक्त बच्चा रोने लगा था। तारीफ करेंगे इस बात के लिए कि जो बच्चा ना रोने के कारण और अंदर गंदा पानी जाने के कारण बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था और जिस हॉस्पिटल में ये बच्चा भर्ती था उन्होंने जवाब दे दिया था। उन्होंने बोला था कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और आप बता रहे कि सिस्टर इतना ज्यादा बच्चा सीरियस था कि आप पहले हॉस्पिटल में 1 से 1.5 लाख रुपए तक लगा चुके थे। जब मैं बड़े हॉस्पिटल गया, मैं एडमिट की इसको, बच्चे बेबी का बहुत बड़ा डॉक्टर है उसे किया, तो वो डॉक्टर भी बोला कि बच्चा बहुत सीरियस है, से इसको सेकंड पे दौरा पड़ता था, ब्रेन में सूजन हो गया था और दौरा पड़ता था सेकंड पर। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा बहुत सीरियस है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे जिया जी हैं जो इस बच्चे के पापा, तो साइन नहीं कर रहे थे पेपर पे। मैं साइन की, पेपर पर फॉर्म भरी और मैं एडमिट की जबरदस्ती, क्योंकि आप प्रभु को जानते थे, आप बड़े बड़े कामों को देख चुके थे, लेकिन आपकी दीदी और आपके जीजू परमेश्वर से दूर थे, इसीलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा डर था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए।
दीदी ने मेरा बहुत रोने लगी, हम गए तो फिर इसको समझाएं प्रभु के बारे में, यहाँ का गवाही दिखाएं ऑनलाइन, तब फिर इसका विश्वास बढ़ गया, फिर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगी। तो फिर बच्चा जब ऑक्सीजन लगा हुआ था, फिर हॉस्पिटल में इसको आईसीयू में था, तो वहाँ पास जब ले हैंड पापा जी से करवाया गया, मेरी मामी ने करवाए फोटो पे ले हैंड। आपके मदर यहाँ पर आए थे और उन्होंने ले हैंड करवाई बच्चे की फोटो के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ सिस्टर? सिस्टर उस दूसरे दिन इसका ऑक्सीजन खुल गया, जो 6 दिन से बच्चा ऑक्सीजन पे जिंदा था, मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ था एनी टाइम 24 आवर्स, सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। नहीं सिस्टर, लगातार एक सेकंड के बाद दौरे पड़ते ही जा रहे थे। यस सिस्टर, यस। और डॉक्टर बहुत ज्यादा मतलब सीरियस कंडीशन बता रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। साफ डॉक्टर बोला था कि इसमें कोई भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि बच्चा नहीं बचेगा, 3 दिन तक बच जाएगा, 3 दिन के बाद बच्चे को डेथ हो जाएगी, इसे बोला था, ऐसे बोला था डॉक्टर। यस सिस्टर, लेकिन जब आपके मदर ने ले हैंड प्रार्थना करवाई फोटो, मदर नहीं मामी करवाए, मामी ने फोटो के ऊपर प्रार्थना करवाई, तो उसके बाद क्या हुआ सिस्टर बच्चे के साथ? उसी दिन इसका ऑक्सीजन खुल गया, फिर सांस इसका चलने लगा, और फिर जो फेफड़ा में प्रॉब्लम था, फेफड़ा वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, और बच्चा दूध पीने लगा, जो दूध नहीं पीता था ऑक्सीजन से जिंदा था, तो फिर इसको दूध देने लगा, फिर दूध देते देते फिर ठीक हो गया बच्चा, और कुछ ही दिनों के अंदर इसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, और क्ली से आज ये बच्चा आपके बिल्कुल सामने पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से असाध है। परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना के द्वारा इस बच्चे को नया जीवन दिया है। तो इस पावरफुल टेस्टिमनी के लिए, गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे कि कैसे वो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हॉस्पिटल से सीरियस लोगों को बाहर लेकर आते, कैसे उन्हें छूते, कैसे उनको ब्लेस करते क्लीसिया। तो सिस्टर बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते इस गवाही के लिए दूसरे लोगों को, कितना ज्यादा खुश हुआ? बहुत ज्यादा खुश हम सिस्टर, जो दीदी मेरा कभी चर्च में आई नहीं, लेकिन मेरे विश्वास के द्वारा बच्चा बिल्कुल फ्री हो गया। तो हम यही सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी भटक रहा है इधर उधर, वो कहीं आप भटके नहीं, मन को अपना नेगेटिव नहीं करें, कितनों भी हालात हो जाए अपना पॉजिटिव रख रहे। हम कभी नेगेटिव अंगीकार नहीं करते थे, इन लोग रोते थे लेकिन हम हंसते थे, बोले कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा है। सब बोलता था कि बच्चा सीरियस है, उस वक्त हम बोलते नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव अंगीकार किए तो बच्चा बिल्कुल फ्री हो गया। और सबको मैं ये मैसेज देना चाहते हैं सिस्टर कि जो भी दुखों में है, हालातों में है, इधर उधर नहीं भटके, परमेश्वर पे जीवते, परमेश्वर पे बिलीव करें, वो बिल्कुल आजाद पाएंगे। आमेन, आमेन। अना अभी आप एक गवाही सुन रहे थे ना, ये बच्ची आगे एक छोटा सा बच्चा लेकर खड़ी है, इसे थोड़ी सी बात कराओ मेरी। हाँ, इस बच्ची को, हाँ, एक दिन इसकी आप गवाही देखना, कितने साल तुम खुद के लिए मर रही थी, परेशान थी खुद के लिए, खुद के लिए कितने साल? प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड। 12 साल पापा जी, 12 साल। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा? नहीं पापा जी। तुम धार्मिक स्थानों पर कितने कितने समय रहती थी चंगाई के लिए? मैं मुस्लिम लोग के मजार पे 2-2 साल वहां रहती थी। सोच कर देखो, तो वहां कैसे गुजारा होता था 2-2 साल? बहुत बुरा हाल था पापा जी, लेकिन सोचते थे कब आराम आएगा ना, सोचते थे ऐसा मेरे भगवान मिल जाए जो मुझे ठीक कर दे, कोई भगवान ऐसा जगह मिल जाए जैसे मैं ठीक हो जाऊं। यस पापा, ठीक है, सुनो ध्यान से। जब ये अपने बनाने वाले के पास आई, इसे उसकी गुड न्यूज मिली, तब इसको जीवन मिला, अच्छा जीवन। yes, amen। इसकी हमने गवाही डाली है यूट्यूब चैनल पर, वो गवाही आप देख सकते हो। इस लड़की की कितनी दुखी, कितनी बीमार, दुष्ट आत्मा से सताई हुई थी, हमेशा बीमारी में रहती थी, हॉस्पिटल हालातों में। yes, papa। लेकिन आप देखो, इसे देखो, 12 साल तो ये खुद तड़पती रही, परेशान रही, लेकिन जब इसे परमेश्वर के बारे में पता चला और परमेश्वर के साथ कैसे रिजल्ट आता है, कैसे वो काम करता है, वो देख लो, अपनी बहन का बच्चा बचा लिया इसने। Yes, amen। ये समझ आ रही है नहीं आ रही? सोचो,
ये बड़ा विषय है कि अब इसे समझ आ गई कैसे शक्ति काम करेगी, कैसे सामर्थ काम करेगी। और इसने बिलीव किया। पर मैं अभी देखो इस मिनिस्ट्री की बात ये पकड़ गई। रिश्तेदार बोलते हैं ये बच्चा नहीं बचेगा, बहुत बुरी कंडीशन है। और ये क्या बोल रही है, ना कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ बच्चे को। सोचो, सोच कर देखो इस मिनिस्ट्री की। पापा जी, हाँ, सोने के रिंग लेके आए हैं। अच्छा, सोने की रिंग लेकर। अच्छा, ये भी एक आदर है खुदावंत का। क्या है सोचने वाली बात ना, कि परमेश्वर ने काम किया है तो हम उसका क्या करें, आदर। तो डोंट वरी, जो परमेश्वर का आदर है वो हम परमेश्वर का मेरे थ्रू होगा। ले आओ अपनी रिंग डालेंगे, परमेश्वर आपको बरकत दे। हालेलुया, ऊंचा तारीफ करो परमेश्वर की। अरे वाह, क्या है ये बच्चा, लड़का तो बड़ा सुंदर है। अच्छा, अपाहिज बोला है हर बार, लेकिन ये नहीं होगा, ये स्वस्थ होगा। बुरा, इसका एक भी अंग आगे पीछे नहीं होगा। आपको डॉक्टर ने बोला ये भी अपाहिज होगा। चलो ये चमत्कार दिखाएंगे डॉक्टरों को, ठीक है। आंखें बंद करो, मेरी तरफ करो, बच्चे को मेरी तरफ करो। खुदाबंद, हम परमेश्वर, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेडिकल साइंस लोगों का इलाज होना ये भी तेरी ओर से है। लेकिन खुदाबंद, इस बच्चे के लिए जो उन्होंने बोला है, उनके हिसाब से जो इसके अंदर बीमारी है, ये जेनेटिक जो रोग है, इसे तेरी जीवित शक्ति से, इस शराब को, इस वंश के शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह, इसी वक्त तोड़ देता हूं खुदावंद, इस वंश के शराब को तोड़ देता हूं, ताकि इस बार ये जेनेटिक रोग, ये अपाहिज ना हो, इसके सारे अंग स्वस्थ हो, और निश्चय ये स्वस्थ बच्चा और बड़ी गवाही से आए, ने जीसस। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।